नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021-22 को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। रीट की एक गुना लिस्ट को लेकर इस वीडियो में बात करूं दोस्तों। एक रीट की एक गुना लिस्ट कब जारी होगी और लेवल टू की नियुक्ति को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। जी हाँ दोस्तों, लेवल टू को बहाल किया जा सकता है, यानी कि जो लेवल टू की परीक्षा रद्द कर दी गई थी उसको भी पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर नियुक्ति उनको दी जा सकती है बीएड लेवल फर्स्ट में शामिल करने को लेकर। कल सुप्रीम कोर्ट से भी जो है आपको जो मामले की दोस्तों आज सुनवाई होनी है, कल उनको अनुमति मिल गई है और अब 20 मार्च से आपकी नई भर्ती के लिए आवेदन भी स्टार्ट होने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको रिसर्च भर्ती की पल पल की अपडेट है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं नियुक्ति की जो सार्थक प्रक्रिया पूर्व में रीट की भर्तियों में नहीं अपनाई, निदेशालय अब उसे अपनाने को मजबूर। जी हाँ दोस्तों, रीट की दोनों भर्तियाँ जैसे कि 16-18 की भर्ती थी उनमें दुगना छात्रों की जो भर्ती है वो नहीं अपनाई गई थी। इससे क्या हुआ था कि प्रोसेस नहीं अपनाया गया था, काफ़ी सारे पद खाली रह जाते थे, बार बार पर वेटिंग लिस्ट जारी करनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। दूसरी तरफ पात्र अभ्यर्थी नेत्र अपनी पीड़ा सरकार व अधिकारी को सामने रखते थे क्योंकि सैकड़ों पद रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं दोस्तों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के द्वारा एक और जो नोटिस है वो जारी किया गया है जिलेवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, लेवल प्रथम के पदों के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पर डेट दी गई है। पोर्टल पर सब यूजर आवंटन आपका 9/3/22 तक होगा, स्लॉट का आवंटन आपका 10/3/22 यानी कि 10 मार्च तक, और दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जाँच 24 मार्च तक, यानी कि आपकी जो मार्च के लास्ट महीने तक लिस्ट है वो जारी होगी। और आपकी अगर बात की जाए यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ में प्रत्येक तकरीबन आप मान के चलिए कि 8 नंबर तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी प्रत्येक कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, वहीं रीट लेवल प्रथम का मामला है, रीट में 2 से 3 फॉर्म भरने वालों की संख्या 44,000 है, जिनमें कम से कम 5 से 7,000 डमी विद्यार्थी बैठे थे, तो इसलिए रीट सीबीआई जांच होना ज़रूरी है। एक विद्यार्थी ने तो 21 फॉर्म भरे थे, आखिर जाँच क्यों नहीं हो रही, इसकी जाँच होगी। और हाईकोर्ट ने रीट लेवल 2 रद्द करने पर सरकार से जवाब मांगा है, आज इसकी सुनवाई भी होनी है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी का जो मामला है लेवल फर्स्ट में शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई है गुहार। कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। रीट लेवल 1 में सिलेक्शन की ओर लेकर बीएड और बीएसटीसी अभ्यर्थियों के बीच जो विवाद है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मंगलवार यानी कि आज के दिन बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को प्रार्थना पत्र पेश किया। ऐसे में उम्मीद है कि आज आपकी फिर से सुनवाई होगी। उससे पहले राजस्थान में रीट बीएड अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल चुका है, हालांकि बीएड को इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं इसको लेकर तो आज निर्णय होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार बीएड को लेवल फर्स्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और नई भर्ती का जो फॉरम है आपको 20 मार्च के आसपास देखने को मिलेंगे। 46,500 पदों पर भर्ती का आयोजन होना है, जिसमें से 31,500 आपके लेवल 2 के पद रहने वाले हैं अगर लेवल 2 को नियुक्ति नहीं दी जाती। हालांकि इसकी भी सुनवाई होगी, आगे जो भी अपडेट आएगी रीट को लेकर अपडेट करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।